टाटा नगर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे टाटा गवर्नमेंट मिल करके लोगों के लिए काम करती है, सड़क बनाती है, नाली बनाती है। और टाटा जो है वो अपने आप को पूरा दुनिया में दिखाती है कि हम बहुत बड़े मसीहा हैं, बहुत गरीबों के मसीहा हैं, हम पूरा पैसा दान कर देते हैं लोगों पे, गरीबों को मदद करते हैं। लेकिन असली स्थिति क्या है आप आकर के देख लीजिए। आप इसको गवर्नमेंट को भी दोष देना पड़ेगा, यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि को भी दोष देना पड़ेगा, और यहाँ पे इक्वली आपको टाटा कंपनी को भी दोष देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का खून पसीना लगा है यहाँ पर टाटा स्टील बनने में। टाटा स्टील जो आई 1,00,000 से 50,00,000 करोड़ की कंपनी जो बनी है, यहाँ पर इन लोगों का पसीना, इन लोगों का खून लगा है यहाँ पर ही। और आज इस तरीके से इन लोगों को दरकनार किया जा रहा है। आप देख लीजिए बाउंड्री बगल में टाटा स्टील का, और ये एरिया जमशेद का बिष्टुपुर में आता है, और बिष्टुपुर में करोड़ रुपए का ये पीएम मॉल बना दिया जाता है। अब बिष्टुपुर का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है करोड़ रुपए दे करके, और यहाँ पे घरों का जो घर में पानी घुस जा रहा है, लोगों को बीमारी हो रहा है, और हर तरीके का यहाँ पे प्रॉब्लम है, चाहे वो खाने को लेकर के हो, राशन को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, तो हर तरीके से लोग यहाँ पे परेशान है। और यहाँ की सरकार को और साथ में टाटा कंपनी को भी डूब के मर जाना चाहिए। गरीब आदमी शिक्षा तभी ले सकता है जब आप सरकारी स्कूल को बनाएंगे। जब टाटा जो है ऑडिट की जो अपना स्कूल जो है अपना KMPM और जिसको स्कूल जो है उसको बंद कर देती है ना टाटा, और जाकर के हजारों करोड़ रुपये ऑक्सफोर्ड को देती है पढ़ाई के नाम पर। तो यहाँ के लोगों को अगर पढ़ाना, अगर पढ़ना है, अगर चाहती है गवर्नमेंट की पढ़ाई करे, तो सरकारी स्कूल को बनाना पड़ेगा, सरकारी स्कूल में खर्च करना पड़ेगा। और सरकार चाहे तो 6 महीना में, और अगर टाटा चाहे तो 3 महीना में 500 स्कूल यहाँ पे बना सकती है, लेकिन वो जानबूझ करके स्कूल नहीं बनाती है, क्योंकि अगर वो स्कूल बना देगी तो लोग यहाँ के जागरूक हो जाएंगे और अपना हक अधिकार के लिए लड़ना सीख जाएंगे और खड़ा होना सीख जाएंगे। तो सरकार और यहाँ की जो कंपनियाँ हैं, ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग जो है अपने पैरों में खड़े हों और हम लोग अपना अधिकार, अपना हक मांगे। 2 पिज्जा की खरीदारी पर मिल रहा है 1 बर्गर मुफ्त। आज ही जाएं मानगो हॉरिजन मॉल के टेस्टी बाइट्स में, जहां के हर एक बाइट में आपको मिलेगा लुत्फ। जरा सोचिए, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोजिटो, मिल्क शेक और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन अगर आपको एक ही छत के नीचे मिले, वो भी हाइजेनिक एटमोस्फेयर में, तो फिर बात ही क्या। अब ये सभी लजीज डिशेस आपको कहीं और नहीं बल्कि मानगो के टेस्टी बाइट्स रेस्टोरेंट में मिलेगा। इन सभी स्वादिष्ट टेस्ट को आपके दस्तरखान में परोसने के लिए चेपा पुल राजवाड़ा के ठीक बगल द हॉरिजन मॉल में टेस्टी बाइट्स रेस्टोरेंट खुल चुका। टेस्टी बाइट्स में पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच, रोल, चिकन फ्राई, मिल्क शेक लजीज स्वादों में आपको परोसे जाएंगे। टेस्टी बाइट्स में 2 पिज्जा की खरीदारी पर 1 बर्गर मुफ्त दिया जा रहा है, तो फिर देर किस बात की। आज ही अपने परिवार और दोस्तों संग जाएं टेस्टी बाइट्स,